मुरैना जिले के कैनारस थाना के अंतर्गत नेपरी पुल के पुराने पुल पर तारों में फंसा एक तेंदुआ मिला है। तेंदुआ मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलारस नगर के नेपरी पुल के समीप खेत की मेड़ में तार फेंसिंग में एक तेंदुआ लटका हुआ मिला है। ग्रामीणों ने जब पास जाकर देखा तो तेंदुआ मृत अवस्था में दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। जैसे ही वन विभाग को इसकी सूचना मिली, वन विभाग की रेंजर हीना खान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, साथ ही केएलआरएस पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ को हटाया। ग्रामीणों का कहना है कि आज दिनांक तक इस क्षेत्र में कभी कोई जानवर नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये कहां से आया इसके खोजबीन में वन विभाग की टीम लगी हुई है। रेंजर हीना खान ने तेंदुए को लोडिंग गाड़ी में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं इस मामले में मुरैना DFO स्वरूप दीक्षिता का कहना है कि डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस घटना को एक्सीडेंट ही कहेंगे क्योंकि खेत की मद में तार फेंसिंग होने के कारण तेंदुआ उसमें फंस गया और उसकी मौत हो गई। तेंदुए का शव प्राप्त हुआ है। ये शव केलारस के समीप नेपरी पुल के पास पाया गया है और ये एक पास के खेत में जो मेड़ थी उसमें फंसा हुआ पाया गया है। मेड़ में जो फेंसिंग लगाई थी उसमें फंसा हुआ पाया गया है। उसकी जांच अभी चल रही है, डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद ही जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम आपको बता पाएंगे। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि मेड़ की फेंसिंग में एक्सीडेंटली अटक गया था तेंदुआ और उस कारण उसकी मौत हो गई है, पर हम हर एंगल से उसकी जाँच कर रहे हैं और जाँच में जो भी निष्कर्ष आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।